और उस ट्वीट के ऊपर इनका सूचना निदेशक है शिशिर सिंह, वो धमकी भरे शब्दों में लिखता है कि 105 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इतनी एफआईआर लिखी जा चुकी है। आप सच बोलने वालों को धमकाते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपका पूरा तंत्र इस काम में लगा है कि बलात्कार की कोई घटना पे बोले तो उस पर एफआईआर कर दो, हत्या की कोई घटना पे बोले तो उस पर एफआईआर कर दो। आपका एसएसपी इंद्रकांत त्रिपाठी से रंगदारी मांगता है और उनकी हत्या करवा देता है, वो खुलेआम घूम रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर कार्रवाई नहीं कर पाते आप, बलात्कारियों पर कार्रवाई नहीं कर पाते। रोहिणी सिंह को धमकाओगे, संजय सिंह पर देशद्रोह लगाओगे कि 105 एफआईआर हो गई है, सावधान रहना, बचे रहना। अरे तुम बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं? मान लो उन्होंने आगरा लिख दिया था, तुम लिख देते हाँ ये घटना आगरा की नहीं हाथरस की है? पूरी घटना को ही तुमने कह दिया ये फेक न्यूज है, फलाना है, ढिमका है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है, अपराध बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, बच्चियों को माता पिता अपने घर से बाहर भेजने में डरते हैं, सहमे हुए हैं, रोते हैं, पता नहीं सुरक्षित आएगी नहीं आएगी। बलात्कार भी हो रहा है, हत्याएं भी हो रही हैं, और पूरा योगी जी का तंत्र और इनका पुलिस तंत्र पैसे वसूलने में, रंगदारी वसूलने में, रंगदारी नहीं दी तो हत्याएं कराने में जुटा हुआ है, और हत्या करके वो एसएसपी खुलेआम घूम रहा है। अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उसकी एक चिट्ठी भी वायरल हो रही है कि उसको क्लीन चिट दिया जा रहा हुई है। 14 सितंबर को हाथरस में 19 वर्षीय एक बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, सामूहिक बलात्कार की घटना, और सिर्फ बलात्कार ही नहीं, बलात्कार के बाद गले की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट ली गई, मरणासन्न अवस्था में उसको छोड़ दिया गया। परिवार पुलिस के पास पहुंचा न्याय के लिए। पहले सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, एक अपराधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, धारा भी बलात्कार की नहीं लगाई गई। बाद में उस बेटी के बयान पर तीन लोगों का नाम और शामिल किया गया, जब मीडिया में और अखबारों में दबाव होना, उसको हाथरस से अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ अस्पताल में योगी जी की सरकार इंतजार करती रही उसकी हालत बिगड़ने की, और जब बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई कि उसकी जान बचने की स्थिति नहीं रही, तब उसको दिल्ली भेजने की नौटंकी की गई, और वो भी एम्स में उस बेटी को जगह नहीं मिल पाती। इसके योगी सरकार की क्रूर व्यवस्था, जो एक बेटी के साथ बलात्कार होने के बाद भी बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी हुई नजर आती है।